Hello student, today we will read next part this chapter. My responsible family, मेरा जिम्मेदार परिवार. We enjoy doing many things with our family. हम अपने परिवार के साथ बहुत सारी चीज़ें enjoy करते हैं. We help and care for each other. हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और देखभाल करते हैं. Each member of a family has a special role to play. परिवार के सभी सदस्य एक special role करता है. Our parents fulfill our needs. हमारे माता पिता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. They provide us with food. वे हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं. Clothes, कपड़े, shelter, घर and give us lots of love. और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं. Father or mother drop us to school. मम्मी या पापा हमें स्कूल तक छोड़ते हैं. Help us with our study and teach us good manner and habit. Help us with our study. हमारी पढ़ाई में सहायता करते हैं. And teach us good manners and habit. और हमें अच्छी आदतें और अच्छे manners सिखाते हैं. Our grandparents and the other members of a family also help us. हमारे grandparents और परिवार के दूसरे सदस्य भी हमारी हेल्प करते हैं. दे टेल अस इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड टेक अस फॉर आउटिंग. वो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते हैं और हमें बाहर घुमाने ले जाते हैं. हैप्पी टाइम्स विद फैमिली. परिवार के साथ अच्छा समय बिताना. सेलिब्रेट स्पेशल डे सच एज बर्थडे एंड एनिवर्सरी. परिवार के साथ बर्थडे और एनिवर्सरी मनाना. ईट टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना. वॉच प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन. टीवी पर प्रोग्राम देखना. प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम. इंडोर और आउटडोर गेम खेलना. गो फॉर ए मूवी ऑन संडे एंड हॉलीडे. संडे या छुट्टी के दिन मूवी देखने जाना. गो फॉर ए पिकनिक और विजिट ए जू. पिकनिक पर जाना या चिड़ियाघर में जाना. गो फॉर ए हॉलीडे आउटसाइड द सिटी ड्यूरिंग समर वैकेशन. गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने जाना. सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली एंड क्रिसमस टुगेदर. दिवाली और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल एक साथ मनाना.